साल 2020 जहां सिनेमा जगत के लिए बेहद बुरा साबित हो रहा है, एक के बाद एक हस्तियों के दुनिया से जाने की खबर आ रही है, तो वहीं सियासत के कई दिग्गज भी अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ था, तो वहीं आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन भी 85 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। आज सियासी गलियारे से बेहद दुखद खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर काबिज लालजी टंडन का निधन हो गया है। लखनऊ के मूल निवासी लालजी टंडन का इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। सांस लेने में तकलीफ होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। उनको बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। राज्यपाल लालजी टंडन को 11 जून को बुखार होने पर परिवार के लोगों ने मेदांता हॉस्पिटल शहीद पथ में भर्ती कराया था। यहां पर शुरुआती पड़ताल में डॉक्टरों को उनके यूरिन में संक्रमण का पता चलने पर इलाज शुरू कर दिया। उन्हें बुखार और यूरिन की परेशानी में काफी सुधार हुआ। बुखार की वजह से उनकी कोरोना जाँच भी हुई, ये रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बाद राज्यपाल के लीवर में दिक्कत पाए जाने पर सीटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर के बाद पेट में रक्त का स्राव बढ़ गया, इसके चलते उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उनको आईसीयू में रखा गया था। इसके बाद 15 जून को राज्यपाल लालजी टंडन की हालत सीरियस हो गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गए और 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालजी टंडन ने लखनऊ से सांसद के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत संभाली थी। लालजी टंडन के सियासी सफर की बात करें तो अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। लालजी टंडन ने खुद कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की। इनका राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पिछली सदी के अंतिम दशक में प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। 1978 से 1984 तक और 1990 से 96 तक लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991 और 92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वे मंत्री भी रहे। इसके बाद लालजी 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। 1997 में वे नगर विकास मंत्री रहे। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट भाजपा ने लालजी टंडन को सौंपी। लोकसभा चुनाव में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से आसानी से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने 1 साल भी पूरा नहीं किया था कि उनका निधन हो गया। उनके जाने से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। तमाम सियासी दिग्गज उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। बिलाइव की रिपोर्ट।